हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रोशनी। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर क्राफ्ट पेपर के थ्रू वॉल हैंगिंग बनाएंगे और आज हम बनाएंगे रोज़ वॉल हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट कलर पेपर। सो लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्राफ्ट पेपर लिया हुआ है जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का क्राफ्ट पेपर लिया है, बट ये लाइटिंग और कैमरे की वजह से ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है एज यू कैन सी। एंड इसे मैंने पेटल्स को, फ्लावर की पेटल को ड्रॉ करना है मुझे और क्रिएट करना है, तो इसीलिए मैंने इसे पेपर को 3 to 4 times यहाँ फोल्ड कर लिया है। देन आप पेंसिल की हेल्प से इसमें एक पेटल को ड्रॉ करेंगे। नाउ हमने इसे कट कर लिया है और हमें जितना बड़ा फ्लावर चाहिए, जितनी लेयर्स उसकी चाहिए, हमने उसे अकॉर्डिंग उसको कट कर लिया है। क्राफ्ट पेपर को मैंने 5 क्राफ्ट पेपर यहाँ लिया था। अब हम यहाँ फर्स्ट क्राफ्ट पेपर में पहली पेटल को कट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम कंटिन्यूसली सारे पेटल्स में 1, 2, 3 and 4 लेयर्स तक कट करते हुए चलेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ सभी क्राफ्ट पेपर को 1 by 1 कट कर लिया है। अब हम इसे फेविकॉल की हेल्प से मर्ज करते हुए चलेंगे। मर्ज इसीलिए हमें करना है ताकि ये बड़ी लेयर से लेकर छोटी लेयर में कन्वर्ट हो सके, और जब हम इसे ऐड करेंगे फेविकॉल की हेल्प से तो एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, मैं यहाँ पर अब सीज़र की हेल्प से इसके पेटल को थोड़ा टर्न कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा ओरिजिनल फ्लावर की शेप में आ सके। और अब फेविकॉल की हेल्प से हमें 1 by 1 क्राफ्ट पेपर को मर्ज करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से हमने इसे मर्ज कर दिया और पीछे की तरफ से हम इसे थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि ये एक जगह फिक्स हो सके। आप देखेंगे कि जिस प्रकार हम इसे मर्ज करते हुए जा रहे हैं तो इसमें एक एक जो पेटल है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ 5 पेटल थी वहाँ पे जब हमने इसे कट किया था, स्प्लिट आउट किया था, तो उसके बाद जब हम इसे मर्ज कर रहे हैं तो अब 5 की जगह 4 पेटल वहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम सारे क्राफ्ट पेपर में इसका यूज़ कर लेंगे। जितने हमने क्राफ्ट पेपर को कट किया हुआ है उस सारे क्राफ्ट पेपर को 1 by 1 मर्ज करते हुए हम चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फ्लावर क्रिएट होते हुए चल रहा है। अब हम यहाँ पर सीज़र की हेल्प से इसके कॉर्नर को थोड़ा कट कर लेंगे ताकि जब हम इसे एडजस्ट करें एक लेयर के ऊपर तो ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हम सभी क्राफ्ट पेपर को, जितने भी हमने फ्लावर तैयार किए हैं, सभी को 1 by 1 उसके कॉर्नर से कट कर लेंगे और इसके बाद एक एक लेयर करके हम इसमें फेविकॉल की हेल्प से इसे एडजस्ट करते जाएंगे, लगाते हुए जाएंगे।
आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे और भी ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम एक बटरफ्लाई क्रिएट करेंगे, और हमें जितनी भी बटरफ्लाई की ज़रूरत है हम उतनी बटरफ्लाई को क्राफ्ट पेपर में सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली उसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 बटरफ्लाई को कट कर लिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ बटरफ्लाई को क्रिएट कर लिया है। और भी इसे ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए मैं यहाँ सर्कल को कट कर रही हूँ, ताकि जब हम इसे हैंग करें तो इस सर्कल के थ्रू और बटरफ्लाई के थ्रू इस वॉल हैंगिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक हमें दिखाई दे। अब हम यहाँ एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसके ऊपर हमें फ्लावर जो हमने क्रिएट किया उसे स्टिक करना है। इसे बटरफ्लाई और जो सर्कल हमने कट किया था उसे हैंग करने के लिए हम यहाँ वूल थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं। तो जितने आपने बटरफ्लाई यूज़ किया है उतने ही आप वूल थ्रेड का यूज़ करना है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से स्टिक कर लीजिए या टिक कर लीजिए, और उसी के ऊपर आप फेविकॉल या फिर फेविक्रिल या ग्लू गन की हेल्प से यार्न को, वूल थ्रेड को आप स्टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने स्टिक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के क्राफ्ट पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया है, और अब मैं 1 by 1 यहाँ पर सर्कल और बटरफ्लाई को पेस्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बटरफ्लाई इस वूल थ्रेड पे डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सर्कल के ऊपर ही बटरफ्लाई को पेस्ट करना हो पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर मैंने फेविक्रिल या फेविकॉल की हेल्प से आप सर्कल को पेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई को लगा दिया है। और भी आप डेकोरेटिव बनाने के लिए इसमें कोई पर्ल्स या बीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब वूल थ्रेड के ऊपर आपको जितने भी सर्कल्स यहाँ लगाना है आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम फेविकॉल की हेल्प से या फेविक्रिल की हेल्प से इस फ्लावर को जो हमने क्रिएट किया था उसे कार्डबोर्ड में स्टिक कर देंगे केयरफुली। इतना कंप्लीट करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब आप इसे वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रोज वॉल हैंगिंग कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।